और यहाँ पर ले आते हैं तो अभी कैसे भरते हैं ये त्रिफल हमने यहाँ बिछा दिया है और अभी यहाँ पे पाथरा हम भरेंगे। किस तरह से भरते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो ऐसे समेट के भरा जाता है ना दोस्तों, फिर इसको बांध देंगे। कैसे गठरी बनती है वो भी इस ब्लॉग्स में देखेगा फ्रेंड्स, है ना। तो गाइस यहाँ पर हमारी गठरी पूरी भर चुकी है और अब हम इसको बांधेंगे। कैसे बांधते हैं वो इस ब्लॉक में देख रहे हैं। इस तरह से इसको बांधा जाता है बिना गांठ के। तो फ्रेंड्स इसको चार भी बांधते हैं लेकिन अभी मैं ब्लॉक सुखा रहा हूँ तो ये भी बांध रहे हैं, है ना दोस्तों। तो इस तरह से बांधा जाता है, इसको बांधना नहीं, बस ऐसे घुमा के ऐसे नीचे डाल दिया जाता है। उसके बाद अब ये गठरी एकदम कम्प्लीट, इसको ऐसे करने से भी ये नहीं छूटेगी, है ना दोस्तों। अभी मैंने मेरे घर पर किया है, आप देख सकते हैं और हम दोनों ने किया है, है ना। चलिए आप चलते हैं। तो है गाइस अभी हमने इतना बड़ा ढेर बना दिया है, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे गेहूं का ढेर बनाया है और इसको हमने कितने दिन में कंप्लीट, बस एक ही दिन में कंप्लीट किया है। वो सब छोड़िए लेकिन आपको मैं इस ढेर पूरा दिखाता हूँ। तो यही कुछ हमारा, ये देखिए गाइस कितना बड़ा है और कितना अच्छा है, है ना दोस्तों। इसको हमने इसकी गठरी गठरी ला ला के हमने इसको समेटा है और इस तरह से इसको बनाया है। मैं पूरे दृश्य आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से ये यहाँ पर बनाया है और आप देखिए ऐसे बना दिए और इसको कैसे समेट के हम लाते हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो भाई अभी हमारा ट्रेसर आ चुका है और मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रेसर हमारा सही क्वालिटी का बाजार का और यहाँ पर ये आप लेता हूँ गुडलिया भाई खाली खम आ यहीं लेता।